नमस्कार साथियों, श्री विजय आर्ट एकेडमी ईटीजीटी और पीजीटी की क्लास में आपका हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, सबसे पहले आप हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों में शेयर करें, और दोस्तों सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि हमारी नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। जैसे जैसे मेरी वीडियो आती रहेगी आप तक सीधा पहुँच जाएगी और आप उसे तुरंत देख के अपने ज्ञान को अपडेट कर सकते हैं। और हमारे ग्रुप में एक मेरा व्हाट्सएप ग्रुप है जिसमें संडे संडे को टेस्ट होता है। उस टेस्ट को करने के लिए आप इस व्हाट्सएप ग्रुप के माध्यम से हमसे आप सीधे संपर्क में आ सकते हैं। इस नंबर के से आप जुड़ सकते हैं। और ये आज का टेस्ट पेपर है 20/11/2022। देखिए, भारत की अशोक चक्र पाने वाली प्रथम महिला कौन थी? ए रीता फारिया, बी निर्जा भनोट, सी विजय लक्ष्मी पंडित, डी आरती साहा। तो दोस्तों, जो भारत की अशोक चक्र पाने वाली प्रथम महिला थी वो थी निर्जा भनोट। अगला प्रश्न देखिए, संगीत नाटक अकादमी की स्थापना कब हुई? ए 1959, बी 1954, सी 1952, डी 1945। तो जो संगीत नाटक अकादमी की स्थापना हुई थी वो 1954 ईस्वी में हुई थी। और हमारी ललित कला अकादमी की जो स्थापना हुई थी वो 1953 में हुई थी। अगला प्रश्न देखिए, हनीवा टेराकोटा संगीत नाटक अकादमी की स्थापना कब हुई थी? ए 1959, बी 1953, सी 1952, डी 1945। तो जो संगीत नाटक अकादमी की स्थापना हुई थी वो 1953 ईस्वी में हुई थी। दोस्तों, 1954 ईस्वी में ललित कला अकादमी की स्थापना हुई थी। अगला प्रश्न देखिए, हनीवा टेराकोटा किस देश से संबंधित है? ए चीन, बी जापान, सी कोरिया, डी थाईलैंड। तो जो हनीवा टेराकोटा थी वो जापान से संबंधित थी। आइए अगला प्रश्न देखते हैं, लिनो कट छापाकार चित्त प्रसाद का जीवन काल ए 1913 से 1978, बी 1813 से 1878, सी 1902 से 1969, डी 1945 से 1995। तो जो लिनो कट के हमारे कलाकार थे चित्र प्रसाद, इनका जो जीवन काल था वो 1913 में इनका जन्म हुआ था और 1978 में इनकी मृत्यु हुई थी। अगला प्रश्न देखिए, डॉक्टर ज्योतिष जोशी संपादक थे ए कला दीर्घा, बी कला त्रैमासिक, सी ललित कला, डी समकालीन कला। तो जो ज्योतिष जोशी थे उन्होंने समकालीन कला का संपादन किया था। अगला प्रश्न देखिए, क्रोमोलिथोग्राफी के लिए कौन प्रसिद्ध है? ए रॉबर्ट रोशनबर्ग, बी जॉर्ज बैक्स्टर, सी डेविड ओगिलवी, डी जेम्स रिंड। तो जो क्रोमोलिथोग्राफी के लिए प्रसिद्ध है वो जॉर्ज बैक्स्टर है। अगला प्रश्न देखिए, वास्तु विद्या और सृजन के देवता कौन हैं? ए विष्णु, बी इंद्र, सी गणेश, डी विश्वकर्मा। तो वास्तु विद्या और सृजन के जो देवता माने जाते हैं वो विश्वकर्मा जी माने जाते हैं। अगला प्रश्न देखिए, ये यूरोपियन कला से ये प्रश्न है, स्पिरिचुअल इन आर्ट के लेखक कौन है? स्पिरिचुअल इन आर्ट का दोस्तों हिंदी में जो अर्थ होता है वो होता है कला में आत्मिकता। तो इस पुस्तक के जो लेखक हैं आइए देखते हैं, ए जेसार जॉन, बी विक्टर वासरेली, सी कांडिंस्की, डी अगस्त मैके। तो इस पुस्तक के जो लेखक हैं वो हैं कांडिंस्की। अगला प्रश्न देखिए, वृहत कला कोश के लेखक कौन हैं? ए ज्योतिष जोशी, बी रूप नारायण, सी शेखर सेन, डी विनोद भारद्वाज। तो वृहत कला कोश के जो लेखक हैं वो हैं विनोद भारद्वाज। तो हमारा डी आंसर सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, भारतीय मूर्तिकला नागरी प्रचारणी सभा काशी के लेखक कौन है? ए कल्याण कृष्ण, बी आनंद कृष्ण, सी कवाल कृष्ण, डी राय कृष्णदास। तो इसके जो लेखक हैं वो हैं
राय कृष्णदास। दोस्तों ये जो प्रश्न है ये जो है पीजीटी 2021 में आया हुआ प्रश्न है। अगला प्रश्न देखिए, लिबिडो थ्योरी किसके द्वारा दी गई? ए ब्रोनोवेटो, बी ग्रोमब्रिज, सी हेगेल, डी सिगमंड फ्रायड। तो जो लिबिडो थ्योरी है वो दी गई है सिगमंड फ्रायड के द्वारा। दोस्तों यूरोपियन कला में जो अति यथार्थवाद है वो इसी से प्रेरित होकर के बना था। अगला प्रश्न देखिए, उत्तर प्रदेश के उस प्रसिद्ध कलाकार का नाम बताइए जिसका जन्म नरेंद्र नगर टिहरी गढ़वाल में हुआ था। ए आर एस बिस्ट, बी अवतार सिंह पवार, सी डी पी धूलिया, डी रणवीर सक्सेना। तो जो हमारे अवतार सिंह पवार थे इनका जन्म नरेंद्र नगर टिहरी गढ़वाल में हुआ था। अगला प्रश्न देखिए, आयरन पिलर यानी लौह स्तंभ कहाँ स्थित है? ए मुंबई, बी कोलकाता, सी हैदराबाद, डी दिल्ली। तो जो लौह स्तंभ है वो मौजूद है दिल्ली में। अगला प्रश्न देखिए, पेड़ पर चढ़ते हुए लंगूर का चित्रण किस शैलाश्रय में हुआ है? ए पंचमढ़ी, बी मिर्जापुर, सी सिंघनपुर, डी भीमबेटका। तो पेड़ पर चढ़ते हुए लंगूर का जो चित्रण है वो प्रागैतिहासिक काल की गुफा है भीमबेटका, उसमें इसका चित्रण हुआ है। भारत में प्रागैतिहासिक चित्र कहाँ से प्राप्त हुए? ए मुजफ्फरपुर, बी खुर्जापुर, सी बिंदकी, डी सरगुजा। तो प्रागैतिहासिक के जो चित्र हैं वो सरगुजा से प्राप्त हुए हैं। अगला प्रश्न देखिए, राखी गढ़ी का उत्खननकर्ता कौन है? ए सूरज भान, बी आर एस विस्ट, सी जे पी जोशी, सी आर डी बनर्जी। तो राखी गढ़ी का जो उत्खननकर्ता है वो है सूरज भान। अगला प्रश्न देखिए, आलमगीरपुर किस नदी के किनारे पर स्थित है? ए सरस्वती नदी, बी सतलज नदी, सी हिंडन नदी, डी भगवा नदी। दोस्तों आलमगीरपुर सिंधु नदी घाटी सभ्यता का एक क्षेत्र था और ये है हिंडन नदी के किनारे। अगला प्रश्न देखिए, सिंधु सभ्यता प्रमुख रूप से प्रसिद्ध है? ए वास्तुकला, बी मूर्तिकला, सी चित्रकला, डी सभी। तो जो सिंधु सभ्यता थी वो हमारी तीनों ही चीज़ों के लिए प्रसिद्ध है, लेकिन जब आपसे पूछ रहा है प्रमुख रूप से प्रसिद्ध है तो आपको उत्तर लगाना है वास्तुकला। इसमें आपका सही उत्तर हो जाएगा वास्तुकला। अगला प्रश्न देखिए, प्राचीन नाट्यशाला किस पहाड़ी पर स्थित है? ए कैमूर पहाड़ी, बी रायगढ़ पहाड़ी, सी रामगढ़ पहाड़ी, डी सतपुड़ा की पहाड़ी। तो जो प्राचीन नाट्यशाला के बारे में पूछा जा रहा है वो आपके जोगीमारा के बारे में पूछा जा रहा है। जोगीमारा हमारे एशिया की सबसे प्राचीन नाट्यशाला थी और ये स्थित है रामगढ़ की पहाड़ी पर, नर्मदा नदी के किनारे रामगढ़ की पहाड़ी पर। अगला प्रश्न देखिए, अजंता में बना अप्सरा नामक चित्र की माप क्या है? ए 36x25 cm, बी 30x40 cm, सी 34x25 cm, सी 28x36 cm। जो अप्सरा वाला चित्र अजंता में बना है उसकी माप है 34x25 cm। दोस्तों हमारी वीडियो के साथ आप बने रहिए, हमारी वीडियो को लगातार देखते रहिए और आपकी तैयारी इससे अच्छी से और अच्छी होती चली जाएगी। अगला प्रश्न देखिए, सहस्रबुद्ध अजंता के किस गुफा में चित्रित है? सहस्रबुद्ध अर्थात 1000 बुद्ध। आइए देखते हैं ये किस गुफा में चित्रित है। ए गुफा संख्या 9, बी गुफा संख्या 2, सी गुफा संख्या 1, डी गुफा संख्या 6। तो ये जो चित्र है सहस्रबुद्ध वाला ये गुफा संख्या 2 में चित्रित है। अगला प्रश्न देखिए, अजंता में कितनी चित्रित गुफाएं हैं? ए 28, बी 30, सी 31, डी 29। अब इस प्रश्न को आप ध्यान से समझिएगा आपसे क्या पूछा जा रहा है। पूछ रहा है कि अजंता में कितनी चित्रित गुफाएं हैं। तो अजंता में दोस्तों इसमें आपका डी ऑप्शन सही हो जाएगा, उसमें चित्रित गुफाएं 29 हैं। जब आपसे पूछे कि अजंता में कुल कितनी गुफाएं हैं तब उसका उत्तर आप 30 लगाएंगे, लेकिन यहाँ पर आपसे पूछा जा रहा है कितनी चित्रित गुफाएं हैं तो 29 गुफा चित्रित है, एक गुफा जो है उसमें चित्र नहीं मिले हैं।
15A करके वो गुफा है जिसमें चित्र नहीं मिले हैं अजंता में। 23 नंबर का प्रश्न देखते हैं, कुछ व्यक्ति पेड़ के नीचे विश्राम या वार्तालाप कर रहे हैं, ये जोगीमारा के किस खंड में है। दोस्तों जोगीमारा की गुफा में चित्रों के 7 खंड मिले हैं, उसमें देखिए किस खंड में ये चित्र चित्रित हुआ है। ए द्वितीय खंड, बी तृतीय खंड, सी चतुर्थ खंड, डी प्रथम खंड। तो इसमें जो है द्वितीय खंड में ये चित्र मिला है। अगला प्रश्न देखिए, वृक्ष पर चिड़िया और शाखाओं में नग्न बालक का चित्र कहाँ है। ए सांची, बी जोगीमारा, सी इमली खोर, डी सीता वेंगड़ा। तो ये जो चित्र है वृक्ष पर चिड़िया और शाखाओं में नग्न बालक का चित्र, ये जोगीमारा गुफा से प्राप्त हुआ है। अगला प्रश्न देखिए, बाघ गुफाओं से निकटतम रेलवे स्टेशन कौन सा है। दोस्तों ये पिछली परीक्षाओं में ये प्रश्न पूछा जा चुका है। ए थार, बी ग्वालियर, सी मुहू, डी शिवपुरी। तो बाघ गुफाओं के से जो निकटतम रेलवे स्टेशन है वो मुहू है। अजंता गुफा का भी पूछ चुका है कि अजंता गुफा से जो निकटतम रेलवे स्टेशन है वो कौन सा है। तो दोस्तों अजंता गुफा से जो निकटतम रेलवे स्टेशन है वो है जलगांव। अगला प्रश्न देखिए, सित्तनवासल गुफा के चित्रों में स्तंभ पर बने किस चित्र को उत्तम माना गया है। ए कमल, बी गंधर्व, सी हंस, डी नृत्यांगना अप्सरा। तो सित्तनवासल गुफा के चित्रों में जो सर्वश्रेष्ठ चित्र है वो नृत्यांगना अप्सरा का है। अगला प्रश्न देखिए, महायान बौद्ध ग्रंथ प्रज्ञापारमिता की रचना किसने की थी। ए धर्मपाल, बी नागार्जुन, सी गोपाल, डी बोध। अब इसमें आपसे प्रज्ञापारमिता का लेखक पूछ रहा है, तो उसके जो लेखक थे वो थे नागार्जुन। दोस्तों प्रज्ञापारमिता जो ग्रंथ था उसमें 8000 श्लोक थे। अगला प्रश्न देखिए, विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना किसने की। ए वित्तपाल, बी धर्मपाल, सी सुतपाल, डी जयपाल। तो विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना जो की थी उसे धर्मपाल ने की थी। अगला प्रश्न देखिए, इटालियन फ्रेस्को पेंटिंग की तकनीक किसके समान है। ए अजंता भित्ति चित्र, बी जयपुरी फ्रेस्को, सी बाघ चित्र, डी पहाड़ी चित्र। तो जो इटालियन फ्रेस्को पेंटिंग है अर्थात कौन सी पेंटिंग, जो फ्रेस्को ब्यूनो है यानी फ्रेस्को की जो गीली पद्धति है उसको इटालियन फ्रेस्को पेंटिंग कहते हैं, और उसके समान हमारी जो जयपुर फ्रेस्को है इसका सही उत्तर हो जाएगा जयपुर फ्रेस्को, इसको आराइश पद्धति भी कहा जाता है। अगला प्रश्न देखिए, मुगल काल में किसके समय मानव कृतियों का सुंदर व यथार्थ अंकन हुआ है। ए अकबर, बी जहांगीर, सी शाहजहां, डी दाराशिको। तो जो मुगल काल में व्यक्ति चित्र बनाना दोस्तों आरंभ हुआ वो अकबर के काल से आरंभ हुआ, लेकिन जो सबसे सुंदर मानवाकृतियां यानी जो छवि बने हैं रियलिस्टिक बिल्कुल बना है वो जहांगीर के काल में बना है। अगर आपसे पूछता है कि सर्वाधिक व्यक्ति चित्र किसके समय में बने हैं तो वो अकबर के समय में बने हैं, और सर्वश्रेष्ठ व्यक्ति चित्र बना है दोस्तों जहांगीर के काल में। अगला प्रश्न देखिए, यूसुफ की नीलामी किस मुगल चित्रकार द्वारा चित्रित किया गया है। ए अबुल हसन, बी खुसक, सी अकारिजा, डी फकीरुल्लाह। तो यूसुफ की नीलामी जो चित्र है उसे फकीरुल्लाह ने बनाया था। अगला प्रश्न देखिए, किस शैली के चित्रकारों ने रंग का प्रयोग प्रतीकात्मक आधार पर किया है। ए गुलेर, बी कांगड़ा, सी बसोहली, डी दक्षिणी शैली। तो जो बसोहली शैली के चित्रकार थे उन्होंने रंगों का प्रयोग प्रतीकात्मक आधार पर किया है। अगला प्रश्न देखिए, दक्षिण भारत के जिप्सी किसकी अद्वितीय कृति है। ए एम एफ हुसैन, बी ए एन टैगोर, सी राजा रवि वर्मा, डी रामचंद्रन। तो जो दक्षिण भारत की जिप्सी वाला चित्र है उसे बनाया है राजा रवि वर्मा। दोस्तों जो जिप्सी होता है वो एक आदिवासी जाति होती है। अगला प्रश्न देखिए, सेवानिवृत्त सिपाही किसका चित्र है। ए नंदलाल बोस, बी राजा रवि वर्मा, सी हिम्मत शाह, डी गणेश पाइन। तो जो सेवानिवृत्त सिपाही वाला चित्र है दोस्तों वो प्रसिद्ध कलाकार राजा रवि वर्मा का चित्र है। दोस्तों हमारे वीडियो में आपको ऐसे ही बहुत ही डिफरेंट टाइप के प्रश्न मिलेंगे जो आपको एक साथ तो और कहीं नहीं मिलेंगे, तो हमारे वीडियो के साथ आप बने रहिए।
हमारे चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और अपने दोस्तों में शेयर करिए। किस कलाकार की मृत्यु दिल्ली में बस से गिरकर हुई थी? ए बलबीर सिंह कट, बी सैलोज मुखर्जी, सी विमान सुंदरम, डी समरेंद्र नाथ गुप्त। तो जिसकी मृत्यु दिल्ली में बस से गिरकर हुई थी वो कलाकार थे सैलोज मुखर्जी। अगला प्रश्न देखिए, वर्ष 1867 में किसने जोरा साको थिएटर की स्थापना की थी? ये प्रश्न दोस्तों आपको और कहीं नहीं मिलेगा, किसी भी चैनल पे नहीं मिलेगा। आइए देखते हैं, ए कनु देसाई, बी एम एफ हुसैन, सी गुणेंद्रनाथ, डी ए एन टैगोर। तो जोरा साको थिएटर की जो स्थापना की थी वो गुणेंद्रनाथ ने की थी, इसका सी उत्तर सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, किस चित्र में भूपेन खक्कर ने खुद को चित्रित किया है? ए सत्संग, बी जलेबी खाता आदमी, सी नियर रेडफोर्ड, डी दुर्जनों की गैलरी। तो जो उनका चित्र था दुर्जनों की गैलरी, उसमें इन्होंने स्वयं को भी चित्रित किया है भूपेन खक्कर ने। अगला प्रश्न आइए देखते हैं, पर्यावरण मूर्ति किस कलाकार की है? ए नागजी पटेल, बी महेंद्र पांड्या, सी रामकिंकर बैस, डी अवतार सिंह पवार। तो जो पर्यावरण की मूर्ति है दोस्तों वो प्रसिद्ध मूर्तिकार है महेंद्र पांड्या, ये उनकी मूर्ति शिल्प है। अगला प्रश्न देखिए, बंदर और कंचन पेड़ चित्र का निर्माण किसने किया? ए राम कुमार, बी एन एन रिमजॉन, सी ए रामचंद्रन, डी बी सी सान्याल। तो बंदर और कंचन पेड़ ये जो चित्र है वो ए रामचंद्रन का चित्र है। अगला प्रश्न देखिए, मिस्र की लिपि को कहा जाता है, यानी क्या कहा जाता है? ए पवित्र अक्षर, बी सुलेखन, सी कीलाक्षर, डी कोई नहीं। तो जो मिस्र की लिपि थी उसे कहा जाता है पवित्र अक्षर लिपि। अगला प्रश्न देखिए, गोथिक शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किस कलाकार ने किया था? ए जॉर्जियो वसारी, बी एबोट सुजन, सी बोतीचेली, डी कोई नहीं। तो गोथिक शब्द का जो सर्वप्रथम प्रयोग किया था वो जॉर्जियो वसारी ने किया था, ये एक कला इतिहासकार था। अगला प्रश्न देखिए, ड्यूरर द्वारा निर्मित द लाइफ ऑफ वर्जिन क्या है, ये कहाँ लिख गया है दोस्तों? तो ये हो जाएगा क्या है अर्थात किस माध्यम में है। तो ये जो चित्र है वो ए चित्रकला, बी भित्ति चित्र, सी वुड कट, डी मूर्तिकला। ड्यूरर ने जो द लाइफ ऑफ वर्जिन बनाया है वो वुड कट माध्यम में है। ड्यूरर जो चित्रकार था वो लकड़ी के उत्कीर्णन के लिए जाना जाता है। अगला प्रश्न देखिए, देवगढ़ का दशावतार मंदिर किस प्रकार का है? ए द्विकुट प्रकार, बी त्रिकुट प्रकार, सी एकायतन प्रकार, डी पंचायतन प्रकार। तो देवगढ़ का जो दशावतार मंदिर है वो मंदिर की जो शैली है वो पंचायतन शैली में बना हुआ है। अगला प्रश्न देखिए, दशावतार गुफा कहाँ स्थित है? ए सित्तनवासल, बी बाघ, सी एलोरा, डी अजंता। तो जो दशावतार की गुफा है वो एलोरा में है। अगला प्रश्न देखिए, यूनेस्को की स्थापना किस वर्ष हुई थी? ए 1946, बी 1948, सी 1951, डी 1976। तो यूनेस्को की जो स्थापना हुई थी वो 1946 ईस्वी में हुई थी। अगला प्रश्न देखिए, पुस्तक व्हाट इज आर्ट के लेखक कौन है? ए हर्बर्ट रीड, बी अरस्तु, सी टॉलस्टॉय, डी प्लेटो। तो व्हाट इज आर्ट के जो लेखक हैं वो हैं हर्बर्ट रीड। अगला प्रश्न देखिए, गुजरी महल ग्वालियर में को किस राजा ने बनवाया था? ए राजा वीरेंद्र बहादुर सिंह, बी राजा मान सिंह, सी राजा कमल नारायण सिंह, डी इनमें से कोई नहीं। तो जो गुजरी महल ग्वालियर में गुजरी महल बना हुआ है उसे बनवाया था राजा मान सिंह ने। अगला प्रश्न देखिए, भारत में निर्मित प्रथम रंगीन फिल्म कौन सी थी? ए मदर इंडिया, बी मुगले आजम, सी देवदास, डी किसान कन्या। तो भारत में बनने वाली प्रथम रंगीन फिल्म थी किसान कन्या, तो इसका डी उत्तर सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, निम्न में से युवा अंग्रेज किसका चित्र है? ए टीशिया, बी जान वान आइंग, सी जियोतो, डी रूसो। तो इसमें जो चित्र है वो है टीशिया का ये चित्र है युवा अंग्रेज।
अगला प्रश्न देखिए, यह आखिरी प्रश्न है, चीन की दीवार का स्थापना वर्ष क्या है, यानी चीन की दीवार का निर्माण काल क्या है? ए 780 ईसा पूर्व, बी 680 ईसा पूर्व, सी 700 ईसा पूर्व, डी 810 ईसा पूर्व। तो इसका जो स्थापना वर्ष है वो 700 ईसा पूर्व है। दोस्तों, हमारे वीडियो अगर आपको अच्छी लगती है तो अपने दोस्तों को दोस्तों में शेयर करें, लाइक करें और सब्सक्राइब करें और हमारे व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़ें, उसमें आपको लाभ होगा। उसमें टेस्ट पेपर कराती हूँ तो वो टेस्ट पेपर आपको मिलेगा और मंडे को उसका डिस्कशन होता है। नमस्कार।